केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बेसिस पे नहीं निकलती हैं, हमें कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा स्किल सीखना पड़ेगा। और आई थिंक वो इंटर्नशिप अगर तुमने क्रैक कर ली जीसॉक की, तो भाई अपॉर्चुनिटीज बहुत सही बढ़ेंगी, क्योंकि तुम्हारा जो जीसॉक का टैग है वो बहुत वैल्यूएबल होता है फॉर एनी ऑफ द कंपनी। जहां तुम्हारा मन हो उसके बंदे को रीच आउट करो, वहां के एचआर के लोगों को रीच आउट करो, आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू रेफर यू अगर तुम्हारे पास स्किल्स है। क्या फर्क पड़ता है, एक जगह 30,000 मिल रहा है, एक जगह 40,000 मिल रहा है, या एक जगह 20,000 मिल रहा है, बट सीखने को ज्यादा मिल रहा है ना। बाद में तो हम बहुत सही कमाएंगे अगर हमारे पास स्किल्स होंगी। हाय, मायसेल्फ पारिक हियर। सर, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप टू गेट अमेजिंग इंटर्नशिप्स। तो यार, इंटर्नशिप्स पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लगती है, स्पेशली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। वो फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हैं, सेकंड ईयर में भी कर सकते हैं, थर्ड ईयर में भी कर सकते हैं, गिवन की बेसिकली उन्होंने पहले स्किल्स अच्छे से अचीव कर ली हैं। तो मैं इसका पूरा एक रोड में बताऊंगा कि इंटर्नशिप्स करने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम वो इंटर्नशिप्स को अच्छे से पा सके और उसके बाद इवेंचुअली अच्छी एक प्लेसमेंट पा सके, है ना। और प्लेसमेंट में इंटर्नशिप्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रोल प्ले कर सकती हैं। अगर तुम्हारे रिज्यूमे पे एक या दो अच्छी इंटर्नशिप्स होगी जहां तुमने बहुत ज्यादा सीखा होगा, तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है ना। तो मुझे लगता है कॉलेज के टाइम में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है कि हम इंटर्नशिप्स ज्यादा से ज्यादा करें, अच्छी इंटर्नशिप ज्यादा ज्यादा करें। तो उसके लिए हमें उससे पहले क्या क्या सीखना चाहिए जिससे कि हम लोग अच्छे से इंटर्नशिप्स कर पाए, उसका मैं कंप्लीट एक रोड मैप डिस्कस करने वाला हूँ। आई विल बी ऑल्सो डिस्कसिंग कि कैसे हम वो इंटर्नशिप्स पा सकते हैं, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सो स्टे टिल एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा कैसे करना है सब कुछ। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, बिकॉज इंटर्नशिप्स तो कभी भी कर सकते हैं, है ना, गिवन कि हमारी स्किल्स अच्छे से हो। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, उनके साथ ये शेयर कर देना, दैट विल बी रियली वैल्यूएबल फॉर देम। और लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ये सब मिस मत करना। एंड स्टार्ट करते हैं अब हम लोग की इंटर्नशिप्स के लिए कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है। देखो यार, कोई भी स्टार्ट कर रहा है एज अ प्रोग्रामर, सबसे पहली चीज होती है, हर वीडियो में बोलता हूं मैं, कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तुझे अच्छे से सीखने पड़ेंगे, है ना। तू 4 महीने में भी कर सकता है, 6 महीने में भी कर सकता है, 8 महीने में भी कर सकता है, बट तू फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अच्छे से कर ले, है ना। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा एकदम एक्सपर्ट बनना है, बट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग अच्छे से करता है, तुम्हें कोड करना अच्छे से सिखाता है, तुम्हारा एक बेस सेटअप करता है कि अच्छा ऐसे लिखते हैं कोड, अच्छा अब समझ में आए कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छे टाइम में कोड करना, थोड़ा ये चीजें आनी चाहिए जिससे कि जब एक्चुअली किसी के लिए कोड लिखो इंटर्नशिप में या एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, तो अच्छा कोड लिख रहे हो, वो चीजें तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सिखाते हैं। तो हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्रीज, ग्राफ्स, हैश मैप्स, इन सब के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। 20-30 क्वेश्चंस ईच टॉपिक के कर लेने चाहिए, उनको मिस नहीं करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं, बेसिकली हमारा कोड स्टूडियो प्लेटफॉर्म है, उसमें बहुत ही अमेजिंग एक गाइड पाथ बना हुआ है, 377 टोटल प्रॉब्लम्स हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी कर लोगे, चाहे 4 महीने में, चाहे 6 महीने में, चाहे 8 महीने में, तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का बेस सेटअप हो जाएगा, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या है, अच्छा लॉजिक बिल्डिंग का मतलब क्या है, अच्छा क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं। आई विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। सबसे पहले कुछ नहीं सोचना, सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे से करना है। मैं गाइड पाथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो तुम अच्छे से चेकआउट कर लेना, तुम्हें ढंग से डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करने आ जाएंगे, वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में बना हुआ है, सो डोंट मिस दैट। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स तो पहले करना ही करना है ना, चाहे वो कोर्स से करो, चाहे गाइड पाथ से करो, कहीं से भी करो, बट करो उसको, है ना, चाहे फर्स्ट ईयर में, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में, उसको मिस नहीं कर सकते, दैट इज अ मस्ट थिंग। नाउ वंस वी आर डन विद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, तो देखो यहीं पर हमारे लिए कुछ कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, हम प्रॉब्लम सेटर इंटर्न बन सकते हैं। कोडिंग निंजाज में हम लोग कोड स्टूडियो में बहुत सारी प्रॉब्लम सेटर्स को रखा हुआ है, वैसी वाली इंटर्नशिप खुल जाती है, कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, उसमें क्या है, तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की स्किल अच्छी है तो तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम्स बना सकते हो, वहां तुम्हारा थॉट प्रोसेस काफी यूज होता है, क्योंकि जब तुम प्रॉब्लम बनाओगे तो उसकी कॉर्नर केसेस खुद से सोचने पड़ेंगे। तो दीज काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स तुम्हारे लिए ओपन हो जाती है, यू कैन एक्सप्लोर दीज काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स, वो तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग में और अच्छा बना सकती है, है ना। बाकी ऑन कैंपस अगर जो इंटर्नशिप्स होती है उसमें मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स ही पूछा जाता है, तो शायद वहां पर भी जो कंपनीज प्रोजेक्ट्स को ज्यादा वैल्यू नहीं करती, वहां पर भी तुम केवल डीएसए से, स्पेशली नॉन कैंपस, निकाल सकते हो इंटर्नशिप्स, है ना। ये तो हो गई बहुत बेसिक लेवल की, जो केवल डेटा स्किल एल्गोरिथम्स के बेसिस पे निकल सकती है, बट मोस्टली इंटर्नशिप्स, 80-85% इंटर्नशिप्स
केवल डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बेसिस पे नहीं निकलती हैं, हमें कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा स्किल सीखना पड़ेगा। वो डेवलपमेंट में हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, ऐप डेवलपमेंट हो सकता है, या वो मशीन लर्निंग में हो सकती है, या वो ब्लॉकचेन में हो सकती है, बहुत सारी डिफरेंट स्किल है। बट जो टॉप स्किल्स है जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है वो वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, मशीन लर्निंग है। आई थिंक टॉप थ्री जिसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है इन द सेम ऑर्डर, सबसे ज्यादा वेब डेवलपमेंट, फिर ऐप डेवलपमेंट, फिर मशीन लर्निंग। आई थिंक ये इनमें से एक भी स्किल अगर अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अमेजिंग लेवल पे बढ़ जाती है, है ना। तो अगर तुम वेब डेवलपमेंट कर रहे हो राइट, कोई भी एक फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड पे फ्रेमवर्क सीखो, मतलब HTML से जावास्क्रिप्ट तो सीखना पड़ेगा, कुछ फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क सीखो, रिएक्ट हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, और एक बैक एंड का फ्रेमवर्क सीखो, रूबी ऑन रेल्स हो सकता है, Node.js हो सकता है, Node.js काफी पॉपुलर है। इन सब में से एक फ्रंट एंड और बैक एंड अगर तुम्हें अच्छे से करना आ जाता है तो उन्हें पता है कि भाई ये बंदा वेबसाइट तो बना लेगा अच्छे से, है ना। उसमें सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या होगा तुम्हारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी में, मैं हर बार ही बोलता हूँ, वेबसाइट है और वो लाइव है। तुमने एक प्रोजेक्ट, मतलब आई थिंक अगर 6 महीने हमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को दिए थे, अब 6 महीने हम वेब डेवलपमेंट को देंगे, 3 महीने सीखेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे और 3 महीने लग के एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसको हम लाइव करेंगे, ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट चुनते हो तो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, बैक एंड फ्रेमवर्क, हॉट फ्रेमवर्क चुनना जो आज की डेट में पॉपुलर है, उनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना, उसको लाइव करना, है ना, और उसमें कुछ ना कुछ जैसे 50-60 यूजर्स यूज कर रहे हैं इतना भी कर लोगे तो दैट विल बी एन अमेजिंग प्रोजेक्ट टू हैव, है ना। उसमें कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करते रहना, बट ये चीजें तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छा और वेब डेवलपर अच्छे हो, तुम्हारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा बढ़ जाएंगी, है ना। या फिर अब वेब डेवलपमेंट नहीं आ रहा, तुम्हें मजा नहीं आता, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आता यार वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट उतना एक्साइट नहीं करती, शायद तुम्हें ऐप एक्साइट करती हो, है ना, तो रिएक्ट नेटिव सीख सकते हो, बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है, फ्लटर सीख सकते हो, या फिर तुम iOS या एंड्रॉयड, पर्टिकुलरली मुझे एंड्रॉयड एप्स बनानी है या मुझे iOS एप्स ही बनानी है, तो ये सब चीजें सीख सकते हो। अगेन वही है, 3 महीने हमें लग के सीखना होगा और 3 महीने लग के हमें प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐप को प्ले स्टोर पे डालना पड़ेगा। रिएक्ट नेटिव है तो iOS ऐप iOS प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हो या और iOS ऐप स्टोर पे भी डाल सकते हो, और एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे भी डाल सकते हो, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, तुम्हारी ऐप लाइव है, रिज्यूमे पे लिखो कि भाई ये प्ले स्टोर का लिंक है, दैट विल रियली इंक्रीज योर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, है ना, ऐप यूज कर सकते हो। या फिर ना डेवलपमेंट में किसी में भी मजा नहीं आता, ना ऐप में आता ना वेब में आता, हम लोग मशीन लर्निंग सोच सकते हैं, मुझे एल्गोरिथम्स में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मशीन लर्निंग में अगेन 3 महीने लग के सीखेंगे, बहुत सारे एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे, फिर 3 महीने लग के कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमने कोई डेटा सेट पे काम करके कुछ अच्छा रिजल्ट लाया होगा, कुछ एल्गोरिथम्स पे काम करके हमने कुछ अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करा होगा, है ना। आई थिंक ये कर लेते हो अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम प्लस एनी ऑफ दिस स्किल, आई थिंक यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर गेटिंग एनी ऑफ द इंटर्नशिप। अब बेसिकली वंस दिस इज डन, नाउ तुम्हें अब क्या करना है, अब तुम्हें बस अप्लाई करना शुरू करना है, है ना। अब हमें कुछ नहीं सोचना, मेरे पास सब कुछ है रिज्यूमे पे, मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की स्किल्स है, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं ऐप डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की या मशीन लर्निंग की, मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। देखो एक चीज तुम लोग बोलोगे कि मैंने यहाँ कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग मिस कर दिया, मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारे पास टाइम है डीएस एंड एल्गो के पास 2 महीने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर लो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है इंटर्नशिप चाहिए जल्दी से जल्दी तो आई थिंक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करो, बट आई थिंक ये डेवलपमेंट के साथ साथ थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करो, है ना। बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स अगर अच्छे से कर लेते हो तो यार कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा मतलब उतना हेल्प नहीं करेगा फॉर योर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज जितना शायद तुम्हारा डेवलपमेंट वाली चीजें हेल्प कर, है ना। तो करना है कर लो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बाद 2 महीने कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग करना, उसके बाद डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग कर लेना, या अगर जल्दी से जल्दी चाहिए, सोचना है कि मेरे को अच्छे से इंटर्नशिप करनी है, मुझे बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनना है, तो आई थिंक उस पार्ट को तुम डेवलपमेंट के साथ साथ मैनेज कर सकते हो, थोड़ा टफ होगा बट कर सकते हो। बट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा बढ़ेंगी अगर DSA प्लस एनी ऑफ द स्किल हो, वेब, ऐप या मशीन लर्निंग। अब सोचते हैं इंटर्नशिप्स पानी कैसे कैसे है, है ना। हमारे पास स्किल सेट तो सारा कवर हो गया। देखो यार कुछ पॉपुलर इंटर्नशिप्स हैं जो जैसे GSOC काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स होती हैं। आई थिंक यू हैव एवरीथिंग नाउ, तो थोड़ा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। चाहे वो वेब, अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट आती है तो वेब में करोगे। देखो DSA में नहीं होती ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन ज्यादा, वेब में कर सकते हो, ऐप में कर सकते हो या मशीन लर्निंग में कर सकते हो। थोड़ा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन की तरफ मूव होना शुरू हो, ठीक है। 2-3 महीने काम करो, फिर बेसिकली फेब के आसपास GSOC आता है, उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, वहां पर तुम बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट करो, चीजों में बेसिकली क्या कमियां है उनके कॉरस्पॉन्डिंग काम करो। आई थिंक वो इंटर्नशिप अगर तुमने क्रैक कर ली GSOC की, तो भाई अपॉर्चुनिटीज बहुत सही बढ़ेंगी।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो जीसॉक का टैग है वो बहुत वैल्यूबल होता है फॉर एनी अदर कंपनी, क्योंकि अगर किसी बंदे ने जीसॉक फोड़ा है तो इसका मतलब उसको अच्छे से काम करना आता है, वो बेसिकली मेहनती है, उसको नॉलेज है उस डोमेन की, वो पक्का अच्छा काम करेगा। तो इफ यू वांट टू अटेन दैट, इफ यू वांट टू गेट दैट जीसॉक टैग, तो आई थिंक ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे जीसॉक टाइप की और भी चीजें होती है, उनको एक्सप्लोर करो, बट आई थिंक यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज और बहुत सही इंटर्नशिप वैल्यूएबल होगी। ठीक है, ये हो गई जीसॉक टाइप की इंटर्नशिप, ओपन सोर्स टाइप की इंटर्नशिप्स। इसके अलावा तुम्हारी फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी देख सकते हो, या फिर अब तुम ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स भी निकाल सकते हो। वी हैव लिंक्डइन, वी हैव रेफरल्स, बहुत सारी चीजें हैं, यूज करो, तुम्हारा रिज्यूमे रेडी है, स्टार्टअप्स वालों को रीच आउट करो, वो तुम्हें पक्का एक अच्छी इंटर्नशिप देंगे। कि भाई जोमैटो हो गया, ओला हो गया या ओयो रूम्स हो गया, ये सब लोग इंटर्नशिप्स के लिए बंदे ढूंढ रहे होते हैं ना, स्मॉल स्केल स्टार्टअप से। वहां पर भी जाओगे तो ओनरशिप से बहुत ज्यादा काम करने को मिलेगा, तुम्हारे पर काफी कुछ डिपेंडेंसी होगी, है ना। तो दे आर लुकिंग फॉर इंटर्न्स एज वेल, बस उन्हें क्या चाहिए कि भाई हम सिखा नहीं सकते ज्यादा, बट उन्होंने तुमने पहले से सीख कर आ रहे हो ना, वो तुम्हें आज ही आज में इंटर्नशिप्स देंगे, है ना। स्टार्टअप बहुत ज्यादा ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए देख रहे होते हैं। इसके अलावा अगर तुम्हें स्टार्टअप्स नहीं बड़ी कंपनीज का देखना है, तो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाई हुई है, लाइक अमेजोन की हो गई, फ्लिपकार्ट, गूगल की हो गई, और भी आती रहती हैं, लाइक टी शॉ, गोल्डमैन सैक्स, वो लोग कब कब ऑफ कैंपस हायरिंग देख रहे होते हैं, वो तुम उन स्ट्रैटेजी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, तुम्हें पता लगेगा अच्छा ये ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स में ये पूछ रहे होते हैं, है ना। बट अगर तुमने डीएसए प्लस एनी ऑफ द स्किल कर लिया, तो किसी भी कंपनी टाइप के लिए तुम रेडी हो, अब बस तुम्हें एक रेफरल चाहिए, है ना। अब वो रेफरल लिंक्डइन के थ्रू मिल सकता है, तुम्हारे जान पहचान में कोई है वहां से मिल सकता है, कहीं से मिल सकता है। देखो बहुत लोग बड़ी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जहां तुम्हारा मन हो उसके बंदे को रीच आउट करो, वहां के एचआर के लोगों को रीच आउट करो, आई थिंक दे विल बी हैप्पी टू रेफर यू अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, है ना। ये मत रोना यार मैं इसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा हूँ, ये इसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा हूँ, देखो कोई ना कोई रीजन तो मिलेगा। तुम जहां अप्लाई करोगे, 100 जगह अप्लाई करोगे, मैं बता रहा हूँ 60 जगह रिजेक्ट होंगे, बट 40 जगह अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, है ना। तो बेसिकली ज्यादा नहीं सोचा ना भाई, जहां से रिजेक्ट हो रहा है ठीक है भाई, नहीं है भगवान ने नहीं बनाया उसके लिए, बट यार जहां मिल रहा है वहां पर हम अच्छे से काम करेंगे, हम इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा काम करेंगे, तो हमारे को इतना ज्यादा सीखने को मिलेगा कि आफ्टर कॉलेज हम पता नहीं कहां हो सकते हैं, हम खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं, हम लाइक कंपनी में जाके बहुत तगड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कंपनी में राइज बहुत सही हो, है ना। ये सब चीजें हो रही होती है, हमेशा जो चीजें तुम पहले सीख लेते हो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो कॉलेज का टाइम है, इसमें इंटर्नशिप में सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश करो, बिकॉज तुम्हें प्रैक्टिकल स्किल सीखने को मिलता है। कॉलेज में तुम थ्योरी वगैरह पढ़ रहे होते हो, वहां से नहीं होती, इंटर्नशिप वो वैल्यूएबल है क्योंकि वहां तुम काम करके कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, राइट। आउटपुट ड्रिवन है इंटर्नशिप, तो बेसिकली तुम काम करोगे उसका रिजल्ट दिखेगा एंड यू विल लर्न अ लॉट। और अगर दो तीन इंटर्नशिप कर ली कॉलेज में, तो इंडस्ट्री लेवल टाइप के काम कर लिया है, तो अब तुम अमेजिंग तरीके से रेडी हो चीजों के लिए, है ना। तो इन चीजों को हम लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, आई थिंक हमें अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ज्यादा ज्यादा बढ़ानी चाहिए। और मैंने जैसे भी पहले भी बोला, फर्स्ट ईयर में कर लेते हो तो फर्स्ट ईयर में फोड़ दो, सेकंड ईयर में कर लेते हो तो सेकंड ईयर में फोड़ दो, थर्ड ईयर में कर लेते हो तो थर्ड ईयर में निकाल लो। आई थिंक वी हैव इनफ ईयर्स टू गो इनटू अमेजिंग इंटर्नशिप्स, है ना। इंटर्नशिप में कोई नहीं देखता कि कौन से ईयर में, फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। बस यही है कि फर्स्ट ईयर में तो एकदम से पीपीओ नहीं देगी कंपनी, राइट। वो बोलेगी भाई तू अगले साल आ जाए इंटर्नशिप के लिए, फिर वो अगले साल फिर बोलेगी इंटर्नशिप के लिए आ जाए, तो ये चलेगा ठीक है। सीखने को तो बहुत कुछ मिल रहा है, अपने को कॉलेज में पूरा लर्निंग के टाइप फोकस करना चाहिए, है ना। और इंटर्नशिप में अगर कोई अच्छी इंटर्नशिप है, थोड़े पैसे कम भी मिल रहे, चले जाओ यार, क्या फर्क पड़ता है, एक जगह 30,000 मिल रहा है, एक जगह 40,000 मिल रहा है, या एक जगह 20,000 मिल रहा है, बट सीखने को ज्यादा मिल रहा है ना। बाद में तो हम बहुत सही कमाएंगे अगर हमारे पास स्किल्स होंगी, तो पैसों वाइज तो ज्यादा नहीं सोचेंगे उस टाइम, जहां ज्यादा सीखने को मिल रहा होगा वहां जाके हम इंटर्नशिप्स करेंगे, ठीक है। अनपेड मत करना, ठीक है, किसी के लिए काम करो तो डेफिनेटली डू पेड इंटर्नशिप्स, बट हाँ ज्यादा ऑप्टिमाइज मत करना कि मुझे ज्यादा ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है। आई थिंक मैंने एक कंप्लीट रोड मैप बता दिया है, है ना, जो भी तुम इन चीजों को देख सकते हो। जैसे मैंने बोला डीएससी का गाइड पाथ है, वो मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डीएससी की प्रैक्टिस कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, इनमें से कोई भी एक स्किल सीख सकते हो, हमारे बहुत सारे कोर्सेज है वहां से भी सीख सकते हो। इसके अलावा जीसॉक के बारे में मैंने बता दिया, वो सोच सकते हो, या ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के मैंने जैसे बोला स्ट्रैटेजी वीडियोस हैं, उसका भी लिंक मैं डलवा दूंगा, वहां जाके तुम चेकआउट कर सकते हो कि उन कंपनीज को कैसे क्रैक करना है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा तुम्हारी कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट, कि तुम्हारे को किस टाइप की क्वेरी है, उस टाइप की चीजों को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा, या फिर बेसिकली कोई मैंने मिस कर दिया पॉइंट इस वीडियो में, तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू हियर दैट।
लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को, जैसे मैंने पहले भी कहा, मदद हो जाएगी लोगों की, लोगों की इंटर्नशिप अच्छे से लग जाएगी, और सब्सक्राइब कर देना चैनल में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।